राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार द्वारा निशाना साधे जाने के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि वह सिर्फ राकांपा प्रमुख शरद पवार की ही बात सुनते हैं। जानकारी हो कि अजित पवार ने एक दिन पहले कहा था कि अन्य दलों के नेता राकांपा के प्रवक्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। संजय राउत ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि अगर कड़वा सच किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो क्या कर सकते हैं। वे पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक के संदर्भ में टिप्पणी कर रहे थे। इसमें उन्होंने दावा किया था कि शरद पवार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से कहा था कि उनकी पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं जोड़ेगी, भले ही कोई व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा निर्णय क्यों न ले। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार द्वारा निशाना साधे जाने के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि वह सिर्फ राकांपा प्रमुख शरद पवार की ही बात सुनते हैं। जानकारी हो कि अजित पवार ने एक दिन पहले कहा था कि अन्य दलों के नेता राकांपा के प्रवक्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। संजय राउत ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि अगर कड़वा सच किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो क्या कर सकते हैं। वे पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक के संदर्भ में टिप्पणी कर रहे थे। इसमें उन्होंने दावा किया था कि शरद पवार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से कहा था कि उनकी पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं जोड़ेगी, भले ही कोई व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा निर्णय क्यों न ले।